आज हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न यानी उत्पत्ति समता नियम की। ये प्रोडक्शन फंक्शन का, उत्पादन फलन का ये तीसरा वीडियो है आपका। फर्स्ट वीडियो में हमने उत्पादन फलन यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन का जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। सेकंड प्रोडक्शन फंक्शन में हमने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न यानी कि उत्पत्ति वृद्धि नियम के बारे में डिस्कस किया था। जो सेकंड वीडियो था उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो शॉर्ट की प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसके जो टाइप्स हैं वो टू पार्ट्स में होते हैं। एक होता है शॉर्ट टाइम पीरियड और दूसरा होता है लॉन्ग टाइम पीरियड। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो शॉर्ट टाइम पीरियड होता है, जो अल्पकाल के समय का उत्पादन फलन होता है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यानी शॉर्ट टाइम पीरियड में हमने देखे कि तीन सिचुएशन होती हैं, उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिजिंग रिटर्न। तो हमने लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के बारे में स्टडी कर चुके हैं हम। अब बात कर रहे हैं उत्पत्ति समता नियम यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, उत्पत्ति समता नियम भी आपसे पूछा जा सकता है या फिर आपसे कहा जा सकता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट रिटर्न। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं उत्पत्ति समता नियम या उत्पत्ति लागत प्रतिफल नियम को समझाइए। ये दोनों साथ साथ ही चलेंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा कि कांस्टेंट चल रहा है वर्ड, यहाँ पे भी कांस्टेंट है और यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो बात की थी इंक्रीजिंग रिटर्न की, तो वहाँ आपने देखा कि जब उत्पादन बढ़ता है तो आपकी जो लागत थी, कॉस्ट थी, वो क्या हो रही थी, डाउन हो रही थी, यानी कि डिमिनिजिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि उत्पत्ति समता नियम में जो आपका प्रोडक्शन होगा वो भी इक्वल होगा और साथ ही जो कॉस्ट है वो भी एक इक्वल या स्टेबल होगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। द लिंक बिटवीन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिमिनिजिंग रिटर्न इज नो एज लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। देखिए सिंपल है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की कड़ी को ही हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। यानी कि ये क्या कह रहा है कि जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता है, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ता है वो, और जब आपका प्रोडक्शन कम होता है, तो इसकी बीच की कड़ी यानी कि जब आपका प्रोडक्शन क्या रहता है, स्थिर रहता है, यानी एक ही रेट से वो इंक्रीज हो रहा है, तो उस कड़ी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न कहते हैं। क्लियर है आपको, यानी कि इंक्रीजिंग, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न और लॉ ऑफ डिमिनिजिंग रिटर्न, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं, उत्पत्ति समता नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। क्लियर है, इसके लिए एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है प्रोफेसर मार्शल ने। क्या कह रहे हैं प्रोफेसर मार्शल, एट द स्टेज व्हेन द इफेक्ट ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न एंड लॉ ऑफ डिमिनिजिंग रिटर्न बोथ बिकम इक्वल। यानी कि एक ऐसे स्तर की बात की गई है जिस स्तर पर उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति आपका ह्रास नियम दोनों बराबर हो जाते हैं प्रभाव। यानी कि कोई ऐसे स्तर की बात कर रहे हैं जहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न का और जो आपका डिमिनिजिंग रिटर्न था, यानी उत्पत्ति ह्रास नियम और उत्पत्ति वृद्धि नियम, इन दोनों के जो इफेक्ट थे वो क्या हो गए थे, इफेक्ट यानी प्रभाव, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी इसका प्रभाव और इसका प्रभाव, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल यानी बराबर हो गए। और उस बराबर की सिचुएशन यानी इक्वल की जो स्थिति रहती है उसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न यानी कि उत्पत्ति समता नियम कहेंगे। राइट, द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न या लॉ ऑफ स्टेबिलिटी स्टार्ट ऑपरेटिंग। सिंपल है कि आप इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि उत्पादन के जिस स्तर पर उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति ह्रास नियम दोनों नियमों के प्रभाव बराबर हो जाते हैं, उसे उत्पत्ति समता नियम या उत्पत्ति स्थिरता नियम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं स्थिरता वहाँ से लागू होने लग जाती है। राइट, ऑपरेटिंग यानी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी वो एक्टिविटी करना।
बात करते हैं आगे इसकी। इन दिस सिचुएशन एन एडिशनल फैक्टर गिवन इक्वल प्रोडक्शन, और इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो भी हम अतिरिक्त साधन काम में लेते हैं वो एक जैसा उत्पादन देने लग जाता है। यानी कि आप देखते हैं एडिशनल फैक्टर, जैसे ही अतिरिक्त साधन को हम लगाएंगे काम पे तो उससे भी उत्पादन क्या रहेगा, एक समान रहेगा। यहाँ पे हमने बात की है टोटल प्रोडक्शन पी एफ वन और प्लस पी एफ टू, यानी कि एक ही समान जब एडिशनल हम फैक्टर को यूज़ करते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन होता है टीपी होता है वो इक्वल होने लग जाता है। ठीक है, चाहे फैक्टर वन की बात करें चाहे फैक्टर टू की बात करें। आगे बात करते हैं इसके लिए कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट इक्वल रेट, देयर फॉर एम पी यानी एवरेज प्रोडक्शन, यानी कि इसे कहते हैं औसत उत्पादन, एंड मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कह सकते हैं सीमांत उत्पादन ऑल्सो बिकम कॉन्स्टेंट। यानी कि यहाँ पे जो उत्पादन होता है वो एक ही इक्वल रेट से ग्रोथ करेगा, यानी कि एक ही रेट से बढ़ेगा आपका उत्पादन। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपका उत्पादन 50 था, अब आपका 100, फिर आपका 150, तो आपने देखा जो गैप है वो कितना हो रहा है, 50 का हो रहा है। तो एक ही रेट से आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यानी कि उत्पादन इंक्रीज एट इक्वल रेट, यानी उत्पादन क्या हो रहा है, एक ही रेट से बढ़ रहा है। तो वहाँ पे जो आपका एवरेज प्रोडक्शन होगा यानी कि औसत उत्पादन, और जो मार्जिनल प्रोडक्शन यानी कि सीमांत उत्पादन, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे या एक समान हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं मार्जिनल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्शन, ये दोनों क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। देखिए इसमें हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उसी को ही लिखा है ताकि आपको याद रहे कि उत्पादन कैसी रेट से बढ़ रहा है, एक समान रेट से। एक समान रेट का मतलब क्या हो गया, पहले 50 था अब 100, फिर 150, फिर 200, तो आपने देखा जो डिस्टेंस है वो क्या आ रहा है, 50 का आ रहा है। तो ये 15 के गैप से यानी एक ही रेट से उत्पादन आपका बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति होती है तो वहाँ पे आपका मार्जिनल प्रोडक्शन और जो एवरेज प्रोडक्शन होता है वो दोनों इक्वल हो जाता है, राइट। आगे बात करते हैं, इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट व्हेन टोटल प्रोडक्शन चेंज इन इक्वल रेट एसी यानी एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट विल ऑल्सो इक्वल। यानी कि इसको हम एक और तरीके से या एक और कंडीशन में भी समझा सकते हैं जहाँ पे हमारी लागत क्या हो रही है, स्थिर हो रही है। सिंपल है कि जब आपका कुल उत्पादन एक ही रेट से एक ही दर से बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे जो औसत लागत है और आपकी सीमांत लागत है वो भी क्या हो जाएगी, इक्वल होगी। यानी कि जब प्रोडक्शन है वो आपका एक ही रेट से क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं सेम रेट से एक ही दर से अगर ग्रोथ कर रहा है तो वहाँ पे जो एवरेज कॉस्ट है और जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है ये दोनों भी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यानी कि औसत लागत और सीमांत लागत बराबर हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब उत्पादन एक ही दर से बढ़ता हो, एक ही रेट से ग्रोथ करता हो। चलिए इसको हमने जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रिटर्न है उसको हम एक टेबल से एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। बात करते हैं टेबल की जिसमें हमने फैक्टर लिया है, फैक्टर वन, फैक्टर टू, फैक्टर थ्री। प्रोडक्शन हो रहा था 10-10 आपका हो रहा था प्रोडक्शन। बात करते हैं टोटल प्रोडक्शन कुल उत्पादन की, तो कुल उत्पादन कैसे हमें मिलेगा, 10 का 10 ही रहेगा, 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20। हम सारे उत्पादन को जोड़ेंगे तब कुल उत्पादन हमें मिलेगा। तो उत्पादन 1 तो ऐसे ही रहेगा, फैक्टर 1 से जो उत्पादन हुआ है 1 आपका 10 ही रहेगा। सेकंड का कैसे है आपको कैलकुलेट करना है, हम इसको ऐड करते रहेंगे, तो 10 प्लस 10 यानी 20, फिर 20 में और 10 प्रोडक्शन हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 30। मेन चीज़ क्या है कि आपने देखा इनके बीच में जो गैप है वो सेम रेट का है। 10 और 20 में गैप कितना है, 10। 20 और 30 में गैप कितना है, 10। यानी इक्वल रेट से, किस रेट से प्रोडक्शन कुल उत्पादन बढ़ रहा है, आपको ध्यान रखना है इक्वल रेट यानी कि समान दर से बढ़ रहा है, राइट। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं एवरेज प्रोडक्शन यानी कि औसत उत्पादन। औसत उत्पादन का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन अपॉन जो आपका फैक्टर होता है। तो टोटल प्रोडक्शन कितना है, 10 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, 10। 20 अपॉन 2 टोटल प्रोडक्शन है 20 और अपॉन 2 तो ये कितना हो जाएगा, 10।
तीसरे में कैसे निकालेंगे, 30 है आपका कुल उत्पादन और अपॉन करेंगे 3 तब आ जाएगा 10। तो ये हमारा एवरेज प्रोडक्शन निकाला है, हमने एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला लिखा है, औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन बटा साधन, जितने आप साधन जो यूज़ कर रहे हो। ठीक है, चलिए मार्जिन प्रोडक्शन निकालते हैं, यानी कि सीमांत उत्पादन। ये होता है आपका टोटल प्रोडक्शन, जो कुल उत्पादन है उसमें जो परिवर्तन आया है और टोटल फैक्टर में जो परिवर्तन आता है उसके बारे में। देखिए कुल उत्पादन में कितना आया है, 10, तो 10 और आपका प्रोडक्शन फर्स्ट में तो आपका 10 अपॉन 1 ही रहेगा, सेकंड में आपका मार्जिनल प्रोडक्शन 10 कैसे आया, देखिए यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है, 10 हुआ है, राइट। टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज हुआ है, 10 से 20 में कितना गैप है, 10, और अपॉन फैक्टर में कितना चेंज हुआ, 1 से 2, तो गैप जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1, तो 10 अपॉन 1। तो ये इसका फॉर्मूला है मार्जिनल प्रोडक्शन का। ठीक है, तो ये 10 10 आया। अब आपने ये एक चीज़ नोटिस की होगी कि यहाँ पे अभी हमने थ्योरी की बात की थी, जब टोटल प्रोडक्शन एक ही रेट से बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन और जो एवरेज प्रोडक्शन होता है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आपने देख लिया कि एवरेज प्रोडक्शन भी 10 10 10 है और मार्जिन प्रोडक्शन भी 10 10 दे रखा है। बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट सपोज दैट हमने 100 माना है, ठीक है, और हम टोटल कॉस्ट निकालते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 100 का 1 में तो हम फर्स्ट टाइम तो 100 ही रहेगा, सेकंड कैसे निकालेंगे, 100 प्लस 100 200, फिर थर्ड का निकालेंगे 200 प्लस 100 देन कम्स टू 300, राइट। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टीसी अपॉन टीपी, क्या फॉर्मूला लगता है, टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल प्रोडक्शन। टोटल कॉस्ट कितनी है, 100, और टोटल प्रोडक्शन कितना है, 10, तो 100 अपॉन 10 तो आ जाएगा 100। टोटल प्रोडक्शन है 200 और आपका टोटल कॉस्ट है 200 और टोटल प्रोडक्शन है 20, तो 200 अपॉन 20 देन कम्स टू 10। थर्ड में कैसे निकालेंगे, 300 अपॉन 30, ठीक है, फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए तभी इस टेबल को बनाना बहुत इजी होता है। तो एवरेज कॉस्ट हमने निकाल दिया, मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट अपॉन प्रोडक्शन, कॉस्ट 100 और प्रोडक्शन कितना है 10, 100 अपॉन 10 100 आ जाएगा, 100 अपॉन 10 100 और ये 100। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट है ये दो पीछे के दो कॉलम, इस कॉलम को बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना गया है एग्जाम में, ये आपको टेबल पूरी बनानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिन प्रोडक्शन का रिलेशन क्या रहा, और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पे देखा कि एवरेज जो प्रोडक्शन है और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या है, कांस्टेंट है। आपने देखा दोनों ही क्या है, समान है, स्थिर है, क्लियर है। जबकि कॉस्ट में भी क्या आंसर आएगा, कांस्टेंट, क्योंकि देखा आपने कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट भी क्या है, इक्वल है, राइट, कांस्टेंट रहेगा। ये है, ये आपको यहाँ पे इसलिए लिखना है ताकि आपको पता चल जाए कि इस टेबल से कि क्या रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे ये दोनों कॉलम आपके, क्लियर है। चलिए अब बनाते हैं डायग्राम। आपने देखा कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बिल्कुल 10 20 30 टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा था, लेकिन इंक्रीज़ में क्या हो रहा था कि एक ही रेट से इंक्रीज़ हो रहा था, गैप कितना था, 10 10 का गैप था, तो टोटल प्रोडक्शन आपका इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, चलिए इसे डायग्राम से एक्सप्लेन करते हैं। ओ एक्स पे हम बताएंगे यूनिट्स ऑफ जो आप लेबर कैपिटल का यूज़ करते हो, यानी कि फैक्टर। ओ वाई पे हम बता रहे हैं, पहले हम यहाँ पे जो ये जो डायग्राम है वो आपका बताएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न का, और ये जो डायग्राम होगा वो बताएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट का, यानी कि ये है उत्पत्ति समता नियम और ये है उत्पत्ति लागत नियम। ठीक है, ये आपका आ गया जो समता नियम है, उत्पत्ति समता नियम ये रहेगा, और उत्पत्ति आप कह सकते हैं जो लागत है नियम, उसके बारे में डायग्राम ये रहेगा। चलिए यहाँ पे आपने देखा कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा था, लेकिन क्या चीज़ याद रखनी है, एक वर्ड इक्वल रेट से टोटल प्रोडक्शन आपका ग्रोथ हो रहा था, बढ़ तो रहा था, किस रेट से, सेम दर से, समान दर से बढ़ रहा था कुल उत्पादन, क्लियर है। यहाँ पे हम बताएंगे कि जो एवरेज प्रोडक्शन है और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो दोनों ही क्या थे, इक्वल थे, क्लियर है। तो यहाँ पे जो आप कह सकते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में है, एक कह सकते हैं ओ एक्स पे जो है बिल्कुल सिमिलर लाइन पे है, वो क्या प्रेजेंट कर रही है आपकी एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन को, इक्वल को। ठीक है, उसी तरह से डायग्राम यहाँ देखते हैं हम लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉस्ट का। ओ एक्स पे आपको बतानी है यूनिट्स को,
राइट, और ओ वाई पे बतानी है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट को। तो यहाँ पे आपने देखा कि एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही क्या है, टेन टेन यानी इक्वल। क्लियर है आपको? तो ये डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में, जब पूछा जाए एग्जाम में ये जो डायग्राम बनाना, उससे पहले टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, प्रोडक्शन फंक्शन सेम रेशियो द क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर इंक्रीज नो चेंज इन कॉस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कह रही है? उत्पत्ति समता नियम में उत्पादन ठीक उसी अनुपात में बढ़ता है जिस अनुपात में आप श्रम और पूंजी की मात्रा को बढ़ाते हो। यानी उत्पादन है वो उसी अनुपात में बढ़ेगा, उसी सेम रेशियो में बढ़ेगा जिस अनुपात में आप क्या बढ़ा रहे हो, लेबर और कैपिटल यानी कि श्रम और पूंजी को बढ़ा रहे हो। तो उत्पादन की जो रेशियो रहेगा, जो अनुपात रहेगा उत्पादन बढ़ने का, वो कौन सा रहेगा? जब आप अपने साधन जो है, जो लेबर है या कैपिटल है, श्रम है या पूंजी है, उसको बढ़ाते हो, उसी अनुपात में बढ़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, यही कारण है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न का लागू होने का, जो मेन कारण है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न होता है। और इसी लागू होने के कारण हम कहते हैं कि जो नो चेंज इन द कॉस्ट, यानी कि इस लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न यानी कि उत्पत्ति समता नियम के लागू होने के कारण जो लागत होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ये मेन कह सकते हैं, ये लाइन है कि प्रोडक्शन उसी रेट में, उसी अनुपात में प्रोडक्शन बढ़ता है जिस अनुपात में आप श्रम और पूंजी को बढ़ाते हो, इसीलिए ये नियम लागू होता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट लागू होता है, और यही कह सकते हैं इसी कारण से आपकी कॉस्ट में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। द लास्ट थिंग, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट बिकम पैरेलल ऑन द ओ एक्सिस। आपको मैंने वैसे ही बता दिया था कि ये ओ एक्स पे क्या होती है, पैरेलल होती है आपकी एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये आपकी ओ एक्स पे क्या है, बिल्कुल एक समान आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक आप कह सकते हैं ओ एक्स पे एक सीधी पड़ी रेखा के रूप में है, ये इक्वल ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये आज हम जो हमने बात की है वो है आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, और ये किस में आएगा, शॉर्ट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा शॉर्ट टाइम पीरियड का, जो तीसरा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, उत्पत्ति हास नियम, जिसे हम उत्पत्ति परिवर्तनशील अनुपातों का नियम यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।